गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सभी विद्यार्थियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का। ईएडी परिवार के साथ हमारे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है यहां पर। तो देखिए विद्यार्थियों, आप लोगों की जो करंट अफेयर स्पेशल क्लास मैंने रखी है विद्यार्थी आप लोगों की, तो वो संडे स्पेशल के नाम से हम लोगों ने विद्यार्थियों क्लास को रखा हुआ, ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार पहले तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा उन सभी ग्रुपों में जिस भी ग्रुप से आप लोग जुड़े हो। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। और यदि कहीं पर भी विद्यार्थियों आपको शिकायत होती है तो कमेंट्स करके जरूर बताएगा। यदि कहीं पर भी विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल, साउंड वगैरह के जहां पर भी अगर समस्या होगी आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएगा मुझे, ठीक है ना। मैं आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल देख पा रहा हूँ विद्यार्थी आप लोगों के। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चलेगा। चले विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो चले आप लोग सवाल देखेगा फर्स्ट क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने जून मंथ में पढ़े हैं। और पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने दिया गया कि यहां पर क्या पूछा गया कि नेशनल विद्यार्थियों जो आपका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसके वर्तमान समय पर जो क्या चुने गए विद्यार्थियों आपके, ठीक है। यहां पर पूछा गया कि इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया, तो किसे दिया गया आपका, तो ये दिया गया विद्यार्थियों किसे, कुलदीप सिंह। बिल्कुल आपका ए आंसर बनेगा, कुलदीप सिंह यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। कुलदीप सिंह विद्यार्थी आपका राइट आंसर आएगा। स्टूडेंट विद्यार्थी जस्ट वन मिनट, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या देखा गया विद्यार्थियों आपका, अगला सवाल विश्व व्यापार संगठन में स्थायी मिशन के निदेशक और परामर्शदाता के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर एंड काउंसलर की बात की गई इंडिया परमानेंट मिशन इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये किसे चुना गया आपका, तो ये व्यक्ति कौन है विद्यार्थी आपके, बिल्कुल आशीष संधकुर, ठीक है ना। आशीष विद्यार्थी आपका चंदकुर करके, जिन्हें अभी वर्ल्ड जो आपका समझो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक परमानेंट मिशन इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, काउंसलर इन द इंडिया हैज परमानेंट मिशन इन वर्ल्ड जो आपका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका 1995 में बनता है, और वर्तमान समय पर इसके जो हेड है विद्यार्थियों, पहली महिला जो कि अभी वर्तमान समय पर हेड है वो कौन है विद्यार्थी आपके, तो नाइजीरिया की ओकोंजो इवेला को बनाया गया, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल देखिए, सवाल हमारे सामने दिया गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुमा विद्यार्थी आपका मोटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। भारत में पुमा मोटर स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, विराट कोहली, सोनू सूद विद्यार्थियों, या युवराज सिंह, या आमिर खान, तो किस व्यक्ति को चुना गया आपका, किस व्यक्ति को विद्यार्थियों यहां पर ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना गया, कमेंट्स करके बताएगा आप लोग। एक एक सवाल विद्यार्थी आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कमेंट्स में आप लोग बता दीजिएगा। और ये जून मंथ की हमारी पूरी लगभग लगभग आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जून मंथ के, वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या बनेगा आपका, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने कि सर कौन बने हैं, युवराज सिंह। चलेगा इसका राइट आंसर क्या था विद्यार्थी हमारा, युवराज सिंह। सवाल नंबर आपका 4 दिया गया कि वर्तमान समय पर पूर्वोत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो असम राज्य है यहां के मुख्यमंत्री किसे चुना गया, वाज प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री किसे चुना गया, ऐसा सवाल अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या बनेगा, तो सर्वानंद सोनवाल अब यहां के मुख्यमंत्री नहीं है, हेमंत विद्यार्थी आपका या हेमंत विश्व विद्यार्थी आपके क्या आएगा, शर्मा आएगा, ठीक है ना। यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। बाकी आप लोगों को असम राज्य के बारे में पता विद्यार्थियों, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर में विद्यार्थियों आपका असम राज्य से जो सभी अन्य 6 सिस्टर में आने वाले राज्यों को क्या करता है, इस पर से करता है, ठीक है। मानस और काजीरंगा यहां पर महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, काजीरंगा जो कि राइनोस के लिए आपके प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्लास को शेयर भी करना है, लाइक भी करना आप लोगों को, जैसे जैसे आप लोग लाइव आ रहे विद्यार्थियों तो आप लोगों को क्लास को शेयर और लाइक दोनों समझो आप लोगों को करके चलना है। चलेगा अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या दिया गया, अगला सवाल क्या दिया विद्यार्थी आपका,
नेफ्तली जो बेनेट हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अभी एन बेनेट निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, ऐसा सवाल पूछा गया आपसे, तो आपने क्या बताया विद्यार्थियों, ये कौन सा होगा? बिल्कुल इजराइल। ठीक है ना, एक एक सवाल पहले करा चुका आप लोगों को जून मंथ का आपका। ठीक है, अब इजराइल की अगर बात की जाए कि इजराइल के अंदर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वहां की, वो किस नाम से जानी जाती है आपका? तो मोसाद के नाम से। यहाँ की जो आपकी कैपिटल है वो किस नाम से जानी जाती है आपकी? तो इसराइल की यरूशलम। जबकि यहाँ की पार्लियामेंट को नेसेट, और करेंसी क्या विद्यार्थियों? यहाँ की न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी हो जाती है। ठीक है ना, कहाँ की करेंसी विद्यार्थी हमारे? तो इसराइल की करेंसी न्यू शेकेल है। अगला सवाल पूछा गया, एक बुक दिया गया विद्यार्थियों, जिस बुक की टाइटल क्या है आपका? बुक ऑल यू नीड। ठीक है ना, ऑल यू नीड इन इज जोस, इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ द करेज एंड आपका कन्विक्शन की बात की गई इन द 21 सेंचुरी इंडिया। बुक का नाम देखिएगा विद्यार्थी, आपका टाइटल दिया गया ऑल यू नीड इज जोस, इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज एंड कन्विक्शन विद्यार्थी इन 21st सेंचुरी इन इंडिया। ठीक है ना, इंडिया विद्यार्थी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई आपका सुप्रिया पाल के द्वारा लिखी गई है। सुप्रिया पाल, बिल्कुल सही आंसर, सुप्रिया पाल के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट चलेंगे सवाल नंबर 4 की ओर, विद्या 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, और सवाल भी आपका G7 से जुड़ा हुआ है। G7 यानी कि 7 विकसित देशों का एक समूह। ठीक है ना, 7 विद्यार्थियों विकसित देशों का एक समूह है जिसे आप लोग G7 के नाम से जानते हो। जिसे किस नाम से जानते विद्यार्थी आप लोग? G7 के नाम से। ठीक है ना, तो 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन से देश ने करी? विद्यार्थी आपका G7 शिखर सम्मेलन की जो आपका किसने करी थी? बिल्कुल ब्रिटेन। इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? ब्रिटेन आएगा विद्यार्थी। ठीक है ना, G7 पहले G8 हुआ करता था, 2014 में इससे कौन बाहर हो गया? तो रसिया इससे बाहर हो गया। ठीक है ना, चलेगा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर आपका 8वां दिया गया। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी यानी कहां से विद्यार्थियों? दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जिसका नाम क्या दिया आपका? वीजा विशेष करके दिया गया विद्यार्थी आपका। ठीक है ना, यहां पर क्या दिया विद्यार्थी आपका? तो ये यहां पर समझो जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा आपका लॉन्च किया जा रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी विल बी लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कॉल द विजा वुडसैट करके आपका। ठीक है ना, विजा विद्यार्थी आपका वुडसैट फ्रॉम द कहां से आपका लॉन्च करेगा? दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? कहां से लॉन्च करने वाला है? कहां से मेरे विद्यार्थियों? तो इसे लॉन्च करने वाला आपका कहां से? न्यूजीलैंड से लॉन्च करने वाला। ठीक है, न्यूजीलैंड जो कि आपका एक ऑस्ट्रेलियाई देश है। न्यूजीलैंड विद्यार्थी आपका क्या है? एक ऑस्ट्रेलियाई देश है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता आपका। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या था आपका? न्यूजीलैंड। वर्तमान समय पर न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है विद्यार्थियों, तो ये भी आपके दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए, जेसिका आर्डन। जेसिका आर्डन वर्तमान समय पर न्यूजीलैंड के विद्यार्थियों प्रधानमंत्री के तौर पर है। ठीक है ना, आगे चलेगा, यहां पर क्या दिया गया विद्यार्थी आपका? बिलीव बिलीव वॉट लाइफ है वर्ल्ड लाइफ एंड विद्यार्थियों क्रिकेट थॉट मी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है या किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ठीक है ना, बिलीव वर्ल्ड लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर? आपके सामने दिया गया विद्यार्थियों, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह या गौतम गंभीर? किसकी हो सकती है विद्यार्थी ऑटोबायोग्राफी, किसकी आत्मकथा हो सकती है? तो बिल्कुल सही दिशा में गए आप लोग, सुरेश रैना, जो भारतीय क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और साथ ही साथ विद्यार्थियों आपका आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग, ठीक है ना, चेन्नई सुपर किंग को क्या करते हैं आपके? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलेगा अगला सवाल दिया गया विद्यार्थी आपका, निर्मल विद्यार्थियों मिल्खा सिंह जिनका रिसेंटली में क्या हो गया? निधन हो गया। सी वॉज द एसोसिएट विद विच स्पोर्ट्स? निर्मल मिल्खा सिंह का विद्यार्थियों हाल ही में इनका भी निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़ी थी? क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस या वॉलीबॉल? नेशनल टीम की खिलाड़ी रह चुकी है। ठीक है ना,
नेशनल टीम के विद्यार्थी हो, जो आपका नेशनल टीम में कैप्टन भी रह चुके हैं आपका, चाहे क्रिकेट है, बैडमिंटन, चेस या वॉलीबॉल, तो बिल्कुल सही दिशा में गए आप लोग विद्यार्थियों जिन्होंने वॉलीबॉल आंसर दिया। निर्मल विद्यार्थियों, मिल्खा सिंह कौन से खेल से, तो वॉलीबॉल से संबंधित थी, जो कि विद्यार्थियों टीम की कैप्टन भी रह चुके हैं नेशनल टीम के, ठीक है ना। आगे चलेगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 15 एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2021 में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के 15वें संस्करण में भारत का रैंक क्या है, भारत का रैंक क्या विद्यार्थियों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, मिल्खा सिंह जी की वाइफ थी विद्यार्थियों, ठीक है, और पहले इन्हीं का निधन हुआ था। चलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया विद्यार्थी हमारा, 135वीं रैंक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में 15वें एडिशन में भारत का जो रैंक रहा आपका। गुड मॉर्निंग गोविंद राय विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। चलेगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, तो 135वां विद्यार्थी, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि विच कंट्री इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया भर में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, सवाल नंबर आपका 12वां दिया गया, जबकि आप लोग विद्यार्थियों जून 2021 के वो सभी सवाल आप लोगों को देखने को मिल रहे, जिसे विद्यार्थी आप लोग, ठीक है, एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हर एक सवाल इंपॉर्टेंट आपका। तो बिल्कुल यहां पर क्या आएगा आपका, आइसलैंड, यदि आपसे पूछा जाए आइसलैंड की कैपिटल क्या है, अगर आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आप लोग देखते हो आइसलैंड को, तो आइसलैंड की कैपिटल अगर पूछ लिया जाए आपसे तो क्या आएगी विद्यार्थियों, रेग्जाविक, ठीक है ना, आइसलैंड की जो कैपिटल आपका क्या आएगा, रेग्जाविक, ठीक है, रेग्जाविक करके आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर, अगला सवाल पूछते हैं वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह निर्णय लिया गया आपका, समझो आपका, यानी कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष ये दिवस कब मनाया जाएगा आपका, तो प्रत्येक वर्ष आपका 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है ना, और ये मनाया जाता है आपका। यहां पूछा गया विद्यार्थियों हमसे कि इस वर्ष यानी कि 2021 में इसकी थीम क्या रखी गई थी, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मिल्क डे 2021, 2021 के लिए विश्व दुग्ध दिवस का जो थीम रखी गई वो किस तरह से रखी गई विद्यार्थी आपका, तो इस बार से इसकी थीम क्या रखी गई थी, सेंसिबिलिटी विद्यार्थी इन द डेयरी सेक्टर विद द मैसेज अराउंड द, यहां पर क्या दिया गया, एनवायरमेंट न्यूट्रिशन एंड विद्यार्थी आपका सोशियो इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो ऑप्शन सी काफी बड़ा है विद्यार्थी हमारा, ठीक है, तो ये थीम आप लोगों को विद्यार्थियों एग्जाम अगर हॉल में आते तो क्वेश्चन से बड़ा थीम हो गई इसकी। चलेगा, अगला सवाल पूछा गया आपसे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहां पर है, सवाल हमसे पूछा जाता है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो हमारा आंसर क्या आता है कि सर इसका मुख्यालय तो पेरिस फ्रांस के अंदर है। आपसे पूछा जाता है पेरिस शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना, यदि आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों तो आपका आंसर क्या आएगा। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, आपसे पूछा गया वर्ल्ड नो टेम्बेको डे जो मनाया गया आपका, अगर आपके विद्यार्थियों मई लास्ट में मनाया गया होगा तो मैंने ये सवाल आपको जून मंथ में ही कराया होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए विद्यार्थी आपका, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका कब, 31 मई को, 31 मई को मनाया जाता है, और भारत में पहला तंबाकू फ्री स्टेट किसे घोषित किया गया था, इसका आंसर भी कमेंट्स बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं, भारत में पहला तंबाकू मुक्त राज्य जो घोषित किया गया था वो किसे किया गया था, नागालैंड विद्यार्थियों, पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, जहां पर अफस्पा को दोबारा से बढ़ा दिया गया 6 महीने के लिए, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था नेशनल टेम्बेको रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NTRI कहां पर आपका, तो ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर। चलिए नेक्स्ट बनेंगे, अगला सवाल, 2000
21 के लिए वर्ल्ड नो टेम्बैको डे का जो थीम रखी गई वो क्या रखी गई विद्यार्थियों आपका 2021 के लिए वर्ल्ड नो टेम्बैको डे की जो थीम रखी गई वो थीम क्या रखी गई आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, तो ऑप्शन सी जो आप देख रहे हो ना बिल्कुल सही आंसर आएगा मेरे विद्यार्थियों, ऑप्शन सी यानी कि कमिट टू क्वाइट करके। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज द कैंडिडेट आपका स्टिफ इंडिया पर क्या दिया विद्यार्थी आपका स्टिफ हाउस करके आपका डिफाइंडर 21 वॉर गेम एक तरह से ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था जिसे डिफाइंडर 21 नाम दिया गया। यूरोपियन कंट्री कहां पर इसका आयोजन हुआ वो भी हम लोग बात करेंगे विद्यार्थी आपका, ठीक है ना, उस पर भी बात करेंगे कहां पर इसका अभी रिसेंट ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज था आपका डिफाइंडर 21 इसका आयोजन कहां पर हुआ। लेकिन सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि इसे होस्ट किसके द्वारा किया गया, यानी कि इसे विद्यार्थियों आपका जो ऑपरेट कर रहा था आपका या रेगुलेट कर रहा था आपका वो कौन कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों इसमें राइट आंसर क्या आएगा, नाटो। नाटो का मतलब क्या होगा विद्यार्थी आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1949 में बना, ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय हो गया, टोटल इसमें कितने 30 देश इसके सदस्य, नॉर्थ मैसिडोनिया इसका अंतिम सदस्य बना, नॉर्थ मैसिडोनिया इसमें सबसे लास्ट में जुड़ा। ठीक है ना, बिल्कुल यहां पर आपने दिया कि सर अल्बानिया समझो जिसकी राजधानी कहां पर तिराना, यहीं पर इसका क्या हुआ था अभी जो डिफाइंडर 21 युद्ध खेलों का या हम लोग कह सकते हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन हुआ। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर बहुत अच्छे से आ रहे हैं और इससे पता चलता है कि आप लोगों ने कंपटीशन को काफी अच्छे लेवल तक पहुंचा दिया। अब जीएस वाला पोर्शन हो चाहे करंट अफेयर वाला पोर्शन हो विद्यार्थी आप लोगों का बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, क्यों विद्यार्थियों सभी लोग मानते हैं ना। अब देखिएगा जो विद्यार्थी बरसाती मेंढक ना हो तो उसके लिए तो ठीक है, उनके लिए तो तैयारी विद्यार्थियों सिर्फ तैयारी करने का बहाना चाहिए, बाकी तो पढ़ते रहते हमारे विद्यार्थी है ना। चलिए आगे देखेंगे विद्यार्थी आपका अगला सवाल क्या आएगा आपका सवाल नंबर 19 दिया गया, सवाल नंबर 19 व्हो अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन गोल्ड इन द 75 केजी कैटेगरी एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 इन दुबई। पहले तो हमसे सवाल पूछा जाता है कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में, ठीक है ना, 2021 में विद्यार्थी आपका 2021 में कहां पर हुआ, तो आप लोग बताओगे सर ये तो दुबई में हुआ आपका, ठीक है ना, कहां पर हुआ विद्यार्थी आपका दुबई में हुआ और वर्तमान समय पर, ठीक है ना, तो याद रखिए विद्यार्थियों आपका इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी आएगा विद्यार्थियों, पूजा रानी बोरा, ठीक है, जो कि आपका इसका आयोजन 2021 में कहां पर हुआ था दुबई के अंदर हुआ था आपका, ठीक है ना, और 75 केजी में वर्ग में जो आपका गोल्ड जीता विद्यार्थियों किसने, पूजा रानी बोरा। हमसे पूछा जाता है कि पूजा रानी बोरा चर्चा में रही विद्यार्थियों जून मंथ में, ये किस खेल से संबंधित है, तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से। आगे देखिएगा एक बुक पूछी गई आपसे जिसे आप लोगों ने जून मंथ में पढ़ा, टाइटल क्या दिया गया विद्यार्थी आपका स्टार गेजिंग, ठीक है ना, टाइटल दिया गया आपका स्टार गेजिंग द प्लेयर इज माई लाइफ, स्टार गेजिंग विद्यार्थी आपका द प्लेयर इन माई लाइफ, द प्लेयर इन माई लाइफ, ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है, युवराज सिंह, सुरेश रैना, रवि शास्त्री या नीना गुप्ता, किसके द्वारा लिखी गई होगी। तो देखिएगा वर्तमान समय पर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी है, उससे पहले विद्यार्थी आपका यानी कि कार्यकारी कोच के तौर पर भी रहे पहले टीम के साथ और काफी लंबे समय से जुड़े टीम से, ठीक है, रवि शास्त्री जी। चलिएगा अगला सवाल, विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार समझो आर्थिक सहायता योजना, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू करी, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली विद्यार्थियों, पुदुचेरी या मध्य प्रदेश।
तो इसका राइट आंसर क्या आएगा विद्यार्थी आपका, बी आएगा आपका, ठीक है ना। यहां पर दिल्ली दिया गया विद्यार्थी आपका, चलेगा अगले सवाल पर। सवाल क्या दिया गया आपका, उत्तरी अटलांटिक संगठन, ठीक है ना। यहां सवाल क्या पूछा गया आपसे उत्तरी विद्यार्थी आपका, अटलांटिक संगठन यानी कि नाटो का मुख्यालय, समझो कहां पर है, तो नाटो का मुख्यालय आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, ब्रुसेल्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, सवाल क्या पूछा गया आपसे, विश्व का पहला जीएम यानी कि आपका जेनेटिकली विद्यार्थियों मॉडिफायर जो कि रबर किस राज्य में लगाया गया, ठीक है, ये कौन से राज्य में लगाया गया आपका, ऐसा सवाल हमसे पूछा जाएगा। तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, सवाल का आंसर क्या आएगा विद्यार्थियों आपका, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा विद्यार्थियों आपका, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा, असम राज्य, ठीक है ना, असम राज्य, ठीक है। आगे देखिएगा यूएई, अभी यूएई का नाम आप लोगों ने सुना कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 2021 में दुबई के अंदर हुआ आपका, ठीक है। तो हमसे पूछा जाता है विद्यार्थियों कि ये आप लोगों का देखिएगा, समझो आपसे पूछा जाता है कि यहां की करेंसी क्या है, तो आपने आंसर दिया सर इसकी करेंसी क्या है, दिरहम इसकी करेंसी होगी, ठीक है ना। चलेगा ठीक है, तो याद रखिए मेरे विद्यार्थियों, अगला सवाल, अगला सवाल क्या पूछा गया, किस देश के साथ भारत ने संयुक्त रूप से टैक्स विद्यार्थियों आपका इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर लॉन्च किया है, विद विच कंट्री इंडिया हैज जॉइंटली लॉन्च द टैक्स इंस्पेक्टर विद्यार्थियों विदाउट बॉर्डर जो अभी लॉन्च किया गया भारत ने, तो किस देश के साथ किया था आपका, तो ये भूटान के साथ, ठीक है। भूटान पूर्वोत्तर भारत में भारत के चार राज्यों के साथ, सिक्किम विद्यार्थियों, वेस्ट बंगाल, असम और इधर से आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। यहां पर विद्यार्थियों हमारे विद्यार्थी कहते हैं सर जीपीआई इंडेक्स कौन जारी करता है, जीपीआई इंडेक्स यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है ना, वैश्विक शांति सूचकांक मेरे विद्यार्थियों, ये लगभग विश्व के 172 देशों के उसमें विद्यार्थियों जिसे क्या कहते हैं हम लोग थिंक टैंक कहते हैं, ठीक है। तो ये ईआई यानी कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है। कौन सा क्वेश्चन था विद्यार्थी आपका, कुछ गड़बड़ है क्या आपके सवाल में, सवाल कौन सा था आपका, सवाल विद्यार्थी हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स था ना आपका, ग्लोबल पीस इंडेक्स ये था आपका, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में ये किसने जारी करा, ये सवाल आपका था। तो मेरे विद्यार्थियों ग्लोबल पीस इंडेक्स को जो जारी करता है, मैंने आपको बताया ना कौन करता है विद्यार्थी आपका, ईआईयू, ईआईयू का मतलब होगा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है ना, इसके द्वारा जारी की जाती है आपकी, लगभग मुझे जहां तक ध्यान है 172 जो इंडिपेंडेंस कंट्री है आपकी, स्वतंत्र कंट्री है, उस पर जारी की जाती है। तो इसमें विद्यार्थियों अपने इंडिया की रैंक मैंने आपको बताई कौन सी है, और विश्वभर में विद्यार्थियों आपका पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया विद्यार्थियों कि आपका विश्व पर आपका 2021 में कौन सा, ठीक है। और कोई सवाल आपका, और कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पर। कौन से नंबर पे पहुंचे थे हम लोग, 20वें नंबर पर, हाँ बिल्कुल, जहां पर डाउट होता है जरूर पूछना चाहिए आप लोगों को। सवाल नंबर देखिएगा, हम लोग यहां पर अगले सवाल पर चलेंगे, सवाल नंबर आपका 20 हो गया हमारा, ये भी हो गया था आपका। अगला सवाल विद्यार्थी आपका, अगला सवाल ये रहा विद्यार्थियों, WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए COVID-19 वेरिएंट को क्या नाम दिया, ठीक है ना। सर पीस इंडेक्स में आइसलैंड पहले स्थान पर है, समझो पीस मतलब शांति में, और हैप्पीनेस विद्यार्थी आपका खुशहाली रिपोर्ट है। रमन राजपूत विद्यार्थी पीस इंडेक्स मैंने आपको बताया ना, पीस इंडेक्स जो आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है, और कहां पर आपका डाउट है मुझे नहीं पता विद्यार्थी। हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब खुशहाली रिपोर्ट, खुशहाली रिपोर्ट अलग है विद्यार्थी मेरे। चलेगा सवाल क्या दिया गया, WHO की बात करेंगे विद्यार्थी आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में सबसे पहले पाए गए COVID-19 वेरिएंट को क्या नाम दिया विद्यार्थियों, तो ये कौन सा नाम है विद्यार्थी आपका, सी आएगा, ठीक है ना।
यहाँ पर क्या दिया विद्यार्थी, आपका कैपन और आपका डेल्टा। तो डेल्टा आप लोगों ने नाम सुना होगा कोविड 19 वेरिएंट को जो नाम दिया गया। आगे चलेंगे आपका, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन में अपना नाम वापस ले लिया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज विथड्रॉल, समझो आपका नाम जो विद्यार्थी यहां से बाहर ले लिया, ये किसके द्वारा लिया गया विद्यार्थियों, तो ये अपना नाम विद्यार्थियों आपका फ्रेंच ओपन से बाहर ले लिया गया, पीवी सिंधु, नुआमी ओसाका, ऐसे भारतीय विद्यार्थियों, साइना नेहवाल। तो देखिएगा जापान को रिप्रेजेंट करती है नुआमी ओसाका, नुआमी ओसाका ने विद्यार्थी अपना नाम वापस ले लिया है, ठीक है ना। चलेगा अगला सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, सवाल नंबर आपका 28। सवाल नंबर 28 कहते हैं कि किस देश ने विदेश मंत्रियों की 1 जून को विद्यार्थियों 2021 को क्या गया आपका वर्चुअली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक को अध्यक्षता करी। तो देखिएगा मैंने आपको बताया ना ब्रिक्स की बात करेंगे आपका, तो ब्रिक्स जो आपका सम्मेलन 2019 में ब्राजील, 20 में रसिया, तो 2021 में अपना इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है ना, 22 में चाइना और 23 में साउथ अफ्रीका कर रहा, ठीक है। तो चलेगा आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या दिया गया, अगला सवाल क्या दिया गया, भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम जो आपका सॉन्ग है लक्ष्य 13 सामने है, इसे क्या नाम दिया गया विद्यार्थियों, जो इस बार जो थीम सॉन्ग होगा विद्यार्थी हमारा क्या है लक्ष्य 13 सामने है, तो ये गीत किसने लिखा आपका या किसके द्वारा गाया गया, ठीक है ना, वो कंपोज है विद्यार्थी आपका सॉन्ग की बात की गई, इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम लक्ष्य 13 सामने है, ये किसके द्वारा, ठीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या बनेगा, डी मोहित चौहान, समझो किसके द्वारा विद्यार्थी आपका लक्ष्य 13 सामने है, मोहित चौहान डी, सभी का आंसर बन रहा है विद्यार्थियों। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग, सवाल नंबर 30, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है, जो एडिशनल चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ विद्यार्थी आपका डायरेक्ट टैक्स की बात करें, वर्तमान समय पर सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, सीबीडीटी की बात की जा रही है आपसे, आपका आंसर क्या बनना चाहिए इस सवाल का, आपका आंसर क्या बनना चाहिए मेरे विद्यार्थियों, सीबीडीटी के वर्तमान समय पर किसे चुना गया, आंसर देते रहेगा, बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों इसमें आंसर क्या आएगा आपका, जगन्नाथ विद्या महापात्र, ठीक है ना, जगन्नाथ विद्यार्थी आपका विद्याधर महापात्र करके वर्तमान समय पर सीबीडीटी के क्या चुने गए, चेयरपर्सन के तौर पर चुने गए, ठीक है। ये सीबीडीटी विद्यार्थी आपका 1944 में बन चुकी थी, आजादी के बाद इसका जो वर्तमान नाम है वो रखा गया विद्यार्थी, उस समय पर कुछ और नाम से था आपका, ठीक है ना। तो चलेगा अगले सवाल पर बढ़ेंगे हम लोग, अगला सवाल क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने असम राइफल के 21वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, वह व्यक्ति कौन है विद्यार्थियों, जिन्होंने अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन विद्यार्थियों चार्ज द 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल, ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है विद्यार्थियों, और जो लगभग आपका कब बनी थी 1835 में, यानी कि उस समय पर भारत में विलियम वेंटिंग गवर्नर रहा होगा, उस समय पर ये एस्टैब्लिश होती है, ठीक है ना। और वर्तमान समय पर विद्यार्थियों जो आपके चार्ज संभाला किसने, प्रदीप चंद्र विद्यार्थियों नायर, ठीक है ना, या प्रदीप चंद्रन नायर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर आएगा, और 1835 में ये सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है भारत के अंदर, और मैंने आपको बताया ना कि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है आपकी, किसके अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन। अगला सवाल पूछा गया, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये सवाल क्यों एग्जाम में आ रहा है तो आप लोग क्या बताओगे, क्योंकि अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चेंज हुए हैं, ठीक है ना, इसके बारे में पूरी की पूरी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को दी गई थी, पूरी की पूरी विद्यार्थी उसमें मैंने डिटेल आप लोगों को समझाई थी कि क्या होता है आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कैसे बनता है, ठीक है ना, इसके जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं। चलेगा तो इसका राइट आंसर क्या आएगा विद्यार्थियों आपका 1993 में विद्यार्थियों भारत में
भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन किया गया था, ठीक है ना, 1993 में। आगे सवाल आएगा आपके पास, किस क्रिकेट टीम ने विद्यार्थियों उद्घाटन आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया, ठीक है। तो ये जो जो आईसीसी टेस्ट विद्यार्थियों आपका चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था आपका, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, 1 अगस्त 2019 से शुरुआत होती है, कौन से विद्यार्थी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो आपकी एसेज सीरीज होती है वहां से इसका आयोजन हुआ, एसेज सीरीज से विद्यार्थी इसका आयोजन शुरू हुआ और ये जाके समाप्त विद्यार्थी आपका कहां पर होता है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, जहां भारत रनर अप और विनर कौन है, न्यूजीलैंड। अगला सवाल पूछा गया मेरे विद्यार्थी आपसे, अरुणाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति का पुरस्कार किसने जीता, हु वॉन द बेस्ट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी अवार्ड इन द अरुणाचल प्रदेश, तो किसने जीता होगा, आपके सामने ऑप्शन दिए गए, कौन होगा विद्यार्थी हमारा, शेरगांव बीएमसी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट है। एक सवाल ये बनेगा आपसे, ठीक है ना, सवाल देखिएगा, दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहां की है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी विद्यार्थी हमारा बंग, यही क्या विद्यार्थी आपका कहां पर, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है ना, चलेगा। आगे देखिएगा, नौसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया, डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है वर्तमान समय पर, करमजीत सिंह, ठीक है ना। लेकिन आपसे क्या पूछा गया कि जो चार्ज एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल विद्यार्थी स्टाफ, नेवल स्टाफ की बात की गई, तो वर्तमान समय पर कौन चुने गए, रवनीत सिंह, विद्यार्थी आपका कौन आएंगे, रवनीत सिंह। आगे चलेंगे आपका अगला सवाल, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, हु इज द ऑथर ऑफ बुक विद्यार्थियों, इट्स वंडर लाइफ, ठीक है ना, वंडरफुल लाइफ, इट्स अ विद्यार्थियों, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, जो कि जून 2021 में रिलीज होती है, 2021 में रिलीज होती है विद्यार्थियों, तो ये लिखी गई आपका रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखी गई विद्यार्थी आपका, ठीक है ना, रस्किन बॉन्ड। आगे चलेगा सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 37 क्या पूछता है आपसे, आईसीसी जो वनडे इंटरनेशनल 2021 का वर्ल्ड कप होगा इसमें कितनी टीमें भाग लेगी, आज तक तो आपकी 10 टीमें भाग लेती थी और 2023 में जो मैच होगा आपका भारत में होगा, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में होगा, आपसे पूछा गया 2027 में कितनी टीमें भाग लेगी, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा कि इसमें सर पहली बार 14 टीमें भाग लेगी, कब, 2027 में, 16 नहीं आएगा विद्यार्थियों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला, आ गया सवाल आपके पास, एनएचआरसी आपका 12 अक्टूबर 1993 में बना था, बहुत बढ़िया विद्यार्थी आपका, मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं विद्यार्थियों, ये सुप्रीम कोर्ट के विद्यार्थी जो आपके रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, और मेंबर कौन कौन होते हैं सभी बताया हुआ मैंने आप लोगों को, तो अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। अब देखिएगा इनकी रिटायरमेंट आयु या तो 70 वर्ष या तो 3 साल, जो भी पहले हो मेरे विद्यार्थी, पहले 5 साल थी अब 3 साल कर दी गई है, समझो 2019 में अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है विद्यार्थी आपका, उसके बाद आगे देखिएगा कोविन, समझो कोविन यानी कि भारत ने अन्य देशों के साथ कोविन तकनीकी प्रदान करने का निर्णय लिया, तो कोविन का विद्यार्थी आपका फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोग मुझे जरूर बताएंगे कॉमेंट्स में, कोविन का फुल फॉर्म क्या होगा, यदि आपसे पूछा जाए मेरे विद्यार्थियों कोविन का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, तो आप आंसर क्या दोगे विद्यार्थियों, कोविन का विद्यार्थियों फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है ना, जरूर बताएंगे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में विद्यार्थियों। तो इसमें विद्यार्थी आपका क्या आएगा, बी
इंटेलिजेंस, ठीक है ना, इसमें क्या आएगा विद्यार्थी आपका इंटेलिजेंस आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने फुल फॉर्म अब तक विद्यार्थियों लिख के नहीं भेजा आप लोगों ने कमेंट्स में, तो सभी विद्यार्थी कमेंट्स में लिख के भेजेगा। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया इंटेलिजेंस आएगा, ठीक है ना, इंटेलिजेंस आएगा। चलेगा आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दिया गया विद्यार्थी आपका, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द स्पिरिचुअल, विद्यार्थियों सीओ, द स्पिरिचुअल सीओ पुस्तक के लेखक कौन है, यहां पर क्या पूछा गया विद्यार्थी हमसे, सवाल पूछा गया आपका द स्पिरिचुअल विद्यार्थियों सीओ इस बुक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, बिल्कुल मेरे विद्यार्थी आपका एश प्रकाश। वर्तमान समय पर जो ये बुक आपके अभी जून मंथ में रिलीज हुई, तो ये ठीक है ना। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अभी सिर्फ एक बच्चे का कमेंट्स आया यहां पर कि सर कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क, ठीक है ना। आगे चलेंगे विद्यार्थी हम लोग। अनाय मुड़ी विद्यार्थियों 16 नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, अनाय मुड़ी विद्यार्थियों हमारे दक्षिण भारत में एक पहाड़ी का नाम भी है, ठीक है ना, अनाय मुड़ी विद्यार्थियों, तो आपसे याद होना चाहिए आपका अनाय मुड़ी, जो आपका कार्डमम सिल हो गया, समझो ये सभी अन्नामलाई हो गया, अगस्ता मलाई हो गया, ये सभी की सभी क्या आपकी पहाड़ियां भी है इसी राज्य में। तो मैं कौन से राज्य की बात कर रहा हूं आपका, केरल राज्य, किसकी बात की जा रही है, केरला की बात की जा रही है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है ना, केरल राज्य, जहां पर आप लोगों को पेरियार, पेरियार क्या देखने को मिलेगा, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा, या नेशनल पार्क साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वेमनाद आपको लेक देखने को मिल जाएगा केरल में, एर्नाकुलम यहाँ का हाईकोर्ट है विद्यार्थियों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में, सबरीमाला मंदिर केरला में, ठीक है ना, चलेगा। हाँ अब जाके कमेंट्स आने लग गए आपके कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। चले अगला सवाल हमसे पूछा जाता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ अलाहाबाद, विद्यार्थियों हाईकोर्ट, अलाहाबाद हाईकोर्ट, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों मुनीश्वर नाथ भंडारी, ठीक है ना, मुनीश्वर नाथ भंडारी जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए, ठीक है। संजय यादव का कार्यकाल समाप्त हो गया, संजय यादव विद्यार्थी इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, उन्हीं के स्थान पर तो आए मुनीश्वर नाथ भंडारी, तभी तो आए विद्यार्थियों, कुछ दिन पहले आपके संजय यादव बने थे लेकिन उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया, ठीक है ना। चलेगा अगला सवाल पूछा जाता है कि नासा जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, नासा हैज अनाउंस्ड विद्यार्थियों जो अभी प्लान कर आपका दो नए मिशन लॉन्च करने वाला है 2028 और 2030 में, तो वो कौन से ग्रह के लिए, नासा ने 2028 और 2030 के बीच किस ग्रह पर दो नए मिशन शुरू करने का योजना बनाई है या इसका घोषणा करी है, तो ये कौन से ग्रह की बात की जा रही है, शुक्र ग्रह की बात की जा रही है, ठीक है ना, शुक्र ग्रह की बात की जा रही है। सवाल नंबर नेक्स्ट बनेंगे, सवाल नंबर आपका 44, क्वेश्चन नंबर 44, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गिफ्ट सिटी आपका गुजरात में विकसित की जा रही है आपकी, ठीक है। तो याद रखिए विद्यार्थी हमारा क्या पूछ रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के वर्तमान समय पर अध्यक्ष कौन है, तो अपने इंडिया से ही बिलोंग करते विद्यार्थी आपके कौन आएंगे, इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही दिशा में गए आप लोग, समझो इन जेटी विद्यार्थियों श्रीनिवास। सवाल नंबर 45, कौन सा संगठन सरकार की एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय बन गया है, हमसे सवाल पूछा गया विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम द फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ जॉइंट विद्यार्थियों गवर्नमेंट वन नेशन, समझो आपके क्या दिया विद्यार्थियों आपका वन नेशन आपका, ठीक है ना, वन नेशन, ठीक है, वन मानक जो योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है, तो ये सॉरी पहला विद्यार्थी आपका ऑर्गेनाइजेशन बन गया, ये कौन सा होगा आपका, ठीक है ना, कौन सा होगा मेरे विद्यार्थियों, कौन सा आएगा आपका, तो यहां पर क्या आएगा आपका आरडीएसओ, ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका आरडीएसओ, जस्ट वन विद्यार्थी, जस्ट वन मिनट।
ना, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या बनने वाला विद्यार्थी हमारा, यहां पर पूछा गया विद्यार्थियों आइजैक विद्यार्थियों हर्ट्ज़ग, ठीक है ना, ये वर्तमान समय पर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, तो बिल्कुल इसराइल। इसराइल यानी कि विद्यार्थियों मोसाद, मैंने यहां पर आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो बताई। इसकी कैपिटल हॉली सिटी यानी कि आपका क्या है, जेरूसलम, ठीक है ना, जेरूसलम इसकी कैपिटल हो गई आपकी। आगे चले सवाल नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछता है आपका, सेबी के बारे में दिया गया। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हु इज द चेयरमैन ऑफ, यहां पर दिया गया रिकॉन्स्टिट्यूट विद्यार्थियों 4 मेंबर, ठीक है ना, टेक ओवर द पैनल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। तो सेबी का एक पैनल गठन किया गया विद्यार्थियों, और इस पैनल के जो हेड के रूप में चुना गया, ठीक है, तो कौन चुनेगा आपका, बिल्कुल यहां पर सही आंसर क्या बनता है हमारा, एनके सोडी को चुना गया विद्यार्थियों, ठीक है ना, एनके सोडी, चलिए एनके सोडी। सेबी की बात की जाए तो सेबी आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की हम लोग बात करेंगे आपका। और सेबी किस वर्ष स्टैब्लिश हुआ था, तो आपने बताया सर सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह हुई थी आपका 1988 में, 1988 में सेबी की क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है ना। चलिए आप लोग मुझे बताएगा, मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूं विद्यार्थियों ये पी नोट्स क्या होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए किसी एग्जाम में, पी नोट्स में पी रिप्रेजेंट करता है या पी की फुल फॉर्म होती है, पी नोट्स सेबी के द्वारा जारी किया जाता है। अभिषेक कुमार विद्यार्थी कहते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा मेरे विद्यार्थी, पीडीएफ किस माध्यम से दिया जाएगा आपको, पीडीएफ विद्यार्थी आप लोगों को एप्लीकेशन पर दे दिया जाएगा, जो कि मंडे से आप लोगों को रेगुलर पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन पर कहां पर मिलेगा वो बता दूंगा आप लोगों को विद्यार्थियों, कैसे मिलेगा, पहले पी नोट्स के बारे में आप लोग कमेंट्स करके बताएगा। ठीक है ना, तो पी नोट्स जो सेबी के द्वारा जारी किया जाता है मेरे विद्यार्थी, ये जारी किया जाता है आपके किसके लिए, इसी कहते हैं आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स, जो ओवरसीज इंडियन है भारतीय शेयर मार्केट में क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए जारी किया जाता है, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने देखा था विद्यार्थी, एक सवाल था आरडीएसओ करके था ना आपका, आरडीएसओ का फुल फॉर्म बताएगा, ऐसा सवाल आपने पूछा कॉमेंट्स करके, ठीक है। तो आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च डिजाइन, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया विद्यार्थी आपका, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, समझो आपका। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक सवाल बताया था, ये वाला सवाल ना आपने बताया, ठीक है, एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला निकाय बन गया, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या था आपका, आरडीएसओ। आरडीएसओ का मतलब होगा विद्यार्थियों रिसर्च, ठीक है ना, क्या आएगा मेरे विद्यार्थियों आपका रिसर्च आएगा इसमें, रिसर्च, ठीक है, डिजाइन, रिसर्च विद्यार्थी आपका डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड विद्यार्थी आपका ओआरजी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आरडीएसओ, आगे समझ में। आगे चलेगा विद्यार्थी हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 48, वन प्लस विद्यार्थी आपका एक ब्रांड है, समझो वन प्लस विद्यार्थी यहां पर क्या दिया गया, वेरिएबल्स, ठीक है, के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया, सवाल पूछा गया वन प्लस विद्यार्थी आपका वेरिएबल्स के जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है, तो ये भारतीय खिलाड़ी कौन है, जसप्रीत बुमराह, ठीक है ना, जसप्रीत बुमराह। और आप लोगों को विद्यार्थियों जो मंथली मैगजीन मिलेगी उसमें भी इसे ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, जो आप लोगों को मंथली मैगजीन दी जाएगी पी नोट्स, पी नोट्स के बारे में आपको बताया था ना मैंने आपको, पी नोट्स का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स, जो कि कोई अगर विदेशी ओवरसीज इंडियन है वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है भारतीय शेयर मार्केट में, तो वो पी नोट्स के माध्यम से कर सकता है, ठीक है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, स्थापना 1988 में हुई थी, अध्यक्ष कौन है आप लोग जानते हैं विद्यार्थी, चलेगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नव गठित विद्यार्थियों आपका, यानी कि जो नियामक आपका निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल डीएमसीआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अब देखिएगा भारत सरकार के द्वारा जो अभी डिजिटल इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं ना,
एग्जाम्पल के लिए विद्यार्थियों, आप लोग सोशल मीडिया के अंदर हम लोग किसी बात करें या पब्लिक डोमेन में आपका जिसकी बात करें विद्यार्थियों, अब इसे भी रेगुलेट करने की बात की जाएगी, ठीक है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, ठीक है ना, के द्वारा क्या किया गया आपका एक नया सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, डिजिटल मीडिया विद्यार्थियों कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल जो बनाया गया, तो इसके अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया किसे, विक्रमजीत सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, रट के रख दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछने वाला है, डीएमसीआरसी का फुल फॉर्म पूछ लेगा आने वाले एग्जाम में। तो देखिएगा भारत सरकार के द्वारा भी आपको पता है जैसे अलग अलग सोशल मीडिया साइट के साथ आपका क्या चल रहा है विद्यार्थियों, विवाद चल रहे ना, भारत सरकार विद्यार्थियों हर किसी को अब रेगुलेट करने की बात कर रही है, ठीक है, जो नियम पहले थे उनमें बदलाव करने की बात की जा रही है। तो जल्दी से आप लोग YouTube की क्लासों में बदलाव देखेंगे फिर तो समझो। आगे देखेंगे विद्यार्थी आपका डॉक्टर विद्यार्थियों पैतृक अमोद, क्योंकि आपने देखा होगा ना अब तो डिजिटल धरने भी होते हैं, ऑनलाइन धरने नहीं होते क्या, अब तो ऑनलाइन धरने भी होने लग गए, तो इस पर सरकार की नजर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी आप लोगों को। और अभी आप लोगों ने एक न्यूज चैनल विद्यार्थी आपका जी न्यूज करके उसमें देखा भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, अभी तो डिजिटल जो एजुकेशन चल रहा है ना उसको रेगुलेट करने की भी बात की जा रही है। चलेगा आगे देखिएगा आपका डॉक्टर पैतृक अमोद, जिन्हें हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, समझो कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं आपका, केनिया, बहुत बढ़िया। केनिया के बारे में आपने कब सुना था, केनिया के बारे में सुना था विद्यार्थी आप लोगों ने यूनेप के बारे में जब सुना होगा, यूनेप का मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम किस वर्ष बना था आपका, तो ये 1972 में बना था, इसका मुख्यालय भी केनिया की राजधानी नैरोबी के अंदर है, ठीक है ना। चलेगा, चले विद्यार्थियों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 की थीम क्या है, ठीक है, चलिए ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल विद्यार्थियों ओलंपिक डे 2021 की थीम क्या है, पहले तो मुझे बताएंगे यहाँ पर कि सर ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष ओलंपिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इसी दिन ओलंपिक कमेटी बनी थी आपकी, कौन सी, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी आपकी 1894 में, इसी डेट को, कौन सी डेट को, 24 जून यहां पर दिया, 23 जून 1894 आईओसी बना, आईओसी का मुख्यालय कहां पर है, लोशाने के अंदर। आप पूछोगे सर ये सवाल एग्जामिनर हमसे क्यों पूछेगा, इस बार तो पूछेगा ही पूछेगा विद्यार्थियों, क्योंकि ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है विद्यार्थियों, ठीक है ना, समर ओलंपिक आपके टोक्यो जापान में होने जा रहे हैं, तो इस वजह से यहां से सवाल बनेगा, बनेगा ना, सभी लोग विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक से जो भी सवाल पूछना है पूछते रहेगा कमेंट्स बॉक्स में, और खुद भी कुछ चीजें खोजने की कोशिश करेगा, चलेगा ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो डी आपको दिख रहा है ना, स्टे हेल्थी विद्यार्थियों, स्टे स्ट्रांग, बाकी पढ़ लीजिएगा आपका स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट विद्यार्थी आपका होता 23 जून 2023 को, ठीक है चलेगा। अभी वर्तमान समय पर इसके बिल्कुल जो हेड है थॉमस बर्ग है विद्यार्थियों, जो दोबारा से आपके बन चुके हैं, ठीक है ना। आगे चलेगा आपका केनिया की राजधानी पूछ ले, अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि केनिया की राजधानी कहां पर आपका, नैरोबी के अंदर, नैरोबी यानी आपके, अब केनिया के बारे में जैसे आपको याद होगा एक अक्सर चर्चित विद्यार्थी आपसे पूछा जाता है कि मसाई मारा जो एक नेशनल पार्क है आपका ये कौन से कंट्री के अंदर आपका, तो केनिया, और केनिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है आपका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, ठीक है ना। मसाई आपकी एक जनजाति भी आपका तंजानिया इन क्षेत्रों में आपका निवास करती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट सवाल विद्यार्थियों, सवाल नंबर आपका 53 दिया गया, हाल ही में किस भारतीय आईटी कंपनी ने एम्स्टर्डम विद्यार्थियों आपके अपना पहला यूरोपियन नवाचार केंद्र आपका खोला गया, यानी कि इनोवेशन जो आपका यूरोपियन इनोवेशन सेंटर आपका ओपन किया गया विद्यार्थियों, ये किसके द्वारा, तो SCL के द्वारा, किसके द्वारा विद्यार्थियों आपका SCL। अगला सवाल पूछा गया सवाल नंबर 54, हु हैज बीन नेम्ड विद्यार्थियों एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट विद्यार्थी आपका फ्रंट लाइन हीरो,
वर्ल्ड वाइड फॉर इंडिया, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा गया विद्यार्थी आपके, एम्बेसडर ऑफ, ठीक है, एम्बेसडर बनाया गया विद्यार्थी आपका, एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरो एट द वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, ठीक है। ये अपोलो जो विद्यार्थी अपोलो हॉस्पिटल है उसके अंदर उपाध्यक्ष पद पर है, अध्यक्ष पद पर है अभी वर्तमान समय पर विद्यार्थियों, हेड है मतलब अपोलो हॉस्पिटल के अंदर विद्यार्थियों। तो इस कोविड 19 में विद्यार्थी जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर से लेकर उनको लीड करने के लिए विद्यार्थी जो आपके अधिकारी थे या पूरी चीजों में विद्यार्थी आपका जो स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने के लिए, तो विद्यार्थियों उसके लिए दे क्या बताया गया आपका, ठीक है ना। तो फ्रंट फॉरेस्ट फ्रंटलाइन आपका हीरोज के तौर पर, तो वो कौन है आपका, उपासना विद्यार्थियों काम नहीं करके आपका, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 55, किस राज्य ने सभी महिलाओं और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू करी है। समझो दो योजनाएं शुरू की गई अलग अलग नाम से, बस मुझे इतना ध्यान है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ये शुरू की गई आपका कौन से राज्य सरकार के द्वारा, तो वो कौन सा राज्य है विद्यार्थी हमारा। सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, और जो विद्यार्थी अभी अभी 53 क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। इनोवेशन सेंटर विद्यार्थियों, यूरोपियन इनोवेशन सेंटर खोला गया आपका एम्स्टर्डम में विद्यार्थी आपका, ठीक है, चलेगा। अगला सवाल क्या पूछा गया आपसे, सवाल तो ये हमारा कौन सा बिहार राज्य, अपना बिहार समझो, बिहार राज्य यहां पर आप लोगों को बरौनी ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र देखने को मिलेगा। नेशनल पार्क दो मुझे याद है, एक वाल्मीकि एक भीम बंद करके आपका नेशनल पार्क है, ठीक है ना। छठ पूजा अपने बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। उसके बाद विद्यार्थी यहां पर अपहरण की बात करेंगे, समझो यहां पर अगर सॉरी आपका अपहरण और गोदना जो लोक कला है आपकी, मधुबनी पेंटिंग अपने बिहार राज्य से है, ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हम लोग, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है आपका, तो ये कब किया जाता है हमारा, 26 जून को प्रत्येक वर्ष, सॉरी 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपका पटना में बनाया गया, और जो टर्टल विद्यार्थी रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी कि कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां पर बनाया गया, तो कछुआ पुनर्वास केंद्र हमारा जो बनाया गया विद्यार्थी आपका, ये भी हमारा कहां पर, भागलपुर, भागलपुर जो गंगा नदी के किनारे अपना है ना, भागलपुर गंगा नदी के किनारे वहीं पर आपका क्या बनाया गया, कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाया गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, यहां सवाल पूछा गया आईसीसी के द्वारा 2021 में जून मंथ में आपका T20 बैटिंग रैंकिंग जारी की गई महिलाओं की, तो उसमें पहले स्थान पर कौन है, जहां तक मुझे याद है विद्यार्थियों एक भारतीय महिला क्रिकेटर है जो T20 में नंबर वन पर है वर्तमान समय पर, मिताली राज, सैफाली वर्मा, स्मृति मंदाद, यह विद्यार्थी आपका, तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, सैफाली वर्मा, समझो कौन सा नाम आएगा आपका, सैफाली वर्मा, ठीक है ना। सवाल नंबर जो आपका 57 था सैफाली वर्मा। सवाल अगला सवाल देखिएगा, भारतीय उद्योग परिषद वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्रियल बॉडी ऑफ, विद्यार्थियों यहां पर क्या दिया गया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिषद के जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया वो कौन से व्यक्ति आपके, तो टीवी विद्यार्थियों आपका नरेंद्रनी, ठीक है ना, टीवी नरेंद्रनी विद्यार्थी आपका, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट चलेंगे, यह सवाल पूछा गया विद्यार्थी आपका, हु ऑन द 2020-21 एनबीए, एनबीए का मतलब होगा आपका नेशनल बास्केटबॉल आपका एसोसिएशन, सिक्स मैन ऑफ द ईयर, बास्केटबॉल में आपके कितने प्लेयर होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं, तो सिक्स मैन का जो अवार्ड जीता विद्यार्थियों 2020-21 के लिए, ये किसने जीता आपका, तो ये विद्यार्थी हमारे कौन है, जॉर्डन विद्यार्थी आपका क्लार्कसन ने जीता है आपका, ठीक है ना। और आज के लिए अंतिम सवाल होगा, क्योंकि आप लोग विद्यार्थियों 100 प्लस दिवे, तो कल मॉर्निंग में आप लोगों की जो क्लास होगी, देखिएगा क्लास को शेड्यूल पर देखना आप लोगों को, और आप लोगों की डिमांड पर विद्यार्थियों क्लास शुरू की गई है दोबारा से, और वैसे मुझे लगता था कि विद्यार्थियों आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर की आवश्यकता है, और मेरा मानना है कि अगर आप लोगों को वर्तमान समय पर सिलेक्शन चाहिए तो स्टैटिक जीके आपका करंट अफेयर से आएगा। देखो करंट अफेयर तो मैं कहूंगा सभी लोग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको यूट्यूब पर विद्यार्थियों बतरे आपको चैनल मिल जाएंगे देख पढ़ने के लिए, बहुत सारे हैं विद्यार्थी आप लोगों को पढ़ने के लिए, लेकिन
सटीक विद्यार्थी तरीके से जो कि हमें एग्जाम हॉल में याद रहे। अब एक ही सवाल है, उससे मैं आपको 10 चीजें बता दूं और एग्जाम हॉल में जाके जीरो हो जाए तो फायदा क्या? फिर उससे बेहतर है कि सिलेक्टेड चीजें पढ़े, समय समय पर रिविजन करें। जहां मैं 50 में से 40 नंबर लेके आ सकता हूं तो ठीक है ना, सिलेक्टेड चीजें पढ़ लेता हूं, ज्यादा चीजों में उलझने से क्या फायदा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? सवाल क्या दिया गया था आपको पहले देखिएगा, किसने विद्यार्थियों एक सीरीज शुरू करी है आपका और उसमें 6 मॉड्यूल हिसाब की किताब करके लॉन्च किया गया, अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल विद्यार्थियों। तो आगे से हम लोग डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर के साथ हमारी विद्यार्थियों सुबह होगी, ठीक है ना, और जहां पर हम लोग विद्यार्थियों चाय के साथ चर्चा करेंगे, चाय आप लोग पियेंगे और चर्चा मैं करता रहूंगा, ठीक है ना। आप लोगों के लिए सवाल होंगे और उन सवालों के विद्यार्थियों आपके आंसर भी आप लोगों को साथ में बता दिया जाएगा, ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ की फैक्ट जो स्ट्रेटजी के वगैरह होगा उसे भी मैं आप लोगों को कराता रहूंगा, ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा और कोशिश करेगा। देखो अभी और सवाल है, कम से कम विद्यार्थियों आपके 60 क्वेश्चन और है, लेकिन ये सवाल मैं आप लोगों को डेली जो करंट अफेयर मॉर्निंग में कराऊंगा ना उसके लिए भी तो कुछ आपको चाहिए। आप देखिए जैसे मैं क्लास एंड करने वाला हूं तो विद्यार्थी वापस लौट के आ रहे हैं। देखिए डेली मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी और क्लास को देखिए किस तरह से होना है। डेली का 10 से लेकर 15 सवाल आपके नए रहेंगे, ठीक है, उसके बारे में सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, जितना भी समय लगे आपका 20-25 मिनट। उसके बाद आपका कम से कम विद्यार्थी आपको 15 से लेकर विद्यार्थी आपके 20 सवाल रिवीजन के रहेंगे। नवंबर 2020 का आपने नवंबर 2020 से ही हम लोग विद्यार्थी आपका कवर करते हुए चलेंगे। और उसके बाद आपका वन लाइनर आप लोगों को इसके लिए, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में चारों ऑप्शन आपका सुना हुआ दिखता है ना तब गलती होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वन लाइनर की भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो सभी लोग तैयार है ना मॉर्निंग में मुझे सबके सब विद्यार्थी जितना भी लाइव है, अगर आप लोग विद्यार्थियों लाइव रहोगे तभी मैं क्लास शुरू करूंगा। ये ध्यान दीजिएगा, पहले 7 दिन ट्रायल बेस पर आपकी क्लास चलेगी और अगर आप लोग दोबारा से लौट के आते हैं तो बिल्कुल क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। देखिए कोई दूसरा आए ना आए आप आ जाएगा, बाकी तो आते रहेंगे, ठीक है ना। चलेगा विद्यार्थियों, आज की क्लास को ये भी समाप्त करते हैं और ये संडे विद्यार्थियों आपके लिए स्पेशल रहे, एंजॉय करें आप लोग, घर से बाहर ज्यादा दूर घूमने मत जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं, धन्यवाद।